न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी, इसमें एक कम्युनिकेशन मॉडल है, उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मतलब आप जो बने वो किस तरह से बने, आपका जो होना है, होने की रीत है, आपकी जो आइडेंटिटी है, आपका जो स्वभाव है, आज जो कैसे बने, उसके बारे में बातचीत किया हुआ है एनएलपी में, तो वो हम आज उसका वीडियो आपको बताते हैं। देखो, बच्चा 2 साल का रहता है तो उसकी कोई होने की रीत नहीं रहती, वो कैसा भी होता है, कहीं भी खेलेगा, कूदेगा, कुछ भी करेगा। क्या होता है कि उसको कोई बहुत ज्यादा पास भी रहता नहीं, धीरे 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 एक ब्रेन में कंडीशन तैयार होना चालू हो जाता है। क्या होता है, बाहर से कुछ इवेंट होता है, कोई घटना बाहर से होती है, तो बाहर की कोई भी घटना है वो हमारे पंचेंद्रिय से हमारे ब्रेन में जाती है। पंचेंद्रिय मतलब आंखें, चमड़ी, नाक, कान और जीवा, टेस्ट, इससे अंदर जाएगी इंफॉर्मेशन। अंदर जब जाती है तो जैसी की वैसी इंफॉर्मेशन वो अंदर जाती नहीं है, जाने के समय उसको फिल्टर लगता है, जाने के समय उसमें का कुछ मिट जाएगा, उसमें का कुछ जनरलाइज हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, बदल जाएगा, उसका कुछ तोड़ मरोड़ के नया कुछ भी तैयार हो जाएगा और वो अंदर जाएगा। अंदर जब जाता ब्रेन में तो ब्रेन में ऑलरेडी पास्ट है, भूतकाल है। 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, पास्ट तैयार होना चालू हो गया 2 साल के ऊपर, तो पास्ट है। और पास्ट जो है तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो पास्ट से टकराती है। पास्ट में क्या है, पास्ट में वो घटना के बारे में पहले से कुछ ना कुछ जानकारी है, पास्ट में निर्णय लेने की क्षमता है, कुछ हमारे वैल्यूज है, कुछ हमारे सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, कोई रूल्स रेगुलेशंस हमारे हैं, कोई हमारी जानकारी है, कोई विश्वास है, कोई ट्रस्ट है, मतलब अंदर काफी सारा पास्ट है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन नहीं आई वो पास्ट के साथ में उसका टकराव हो जाता है, और वो टकराव होने के बाद में ब्रेन में उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसका स्टोर किया जाता है वो घटना का, उसका मुद्रण होता है, उसका इम्प्रिंटिंग होता है, उसका प्रोग्रामिंग होता है। जब वो अभी मेमोरी बैग में प्रोग्रामिंग हो गया, उसका इवेंट आ गया, पास के साथ में टकराव हो गया और अंदर एक प्रोग्रामिंग तैयार हो गया, एक प्रोग्राम तैयार हो गया, एक मेमोरी तैयार हो गई। अब वो जो मेमोरी तैयार हो गई, वो मेमोरी से हमारे बदन में, हमारे शरीर में उसके अनुरूप बदल हो जाता है, हमारे बॉडी में फिजियोलॉजी बदल हो जाता है। मतलब घबराहट का है, घबराहट से कुछ ना कुछ ऐसा, मुझे घबराहट अंदर गई, घबराहट अंदर गई, घटना हुई अंदर गई, पास्ट एक्सपीरियंस उसके साथ में उसका बर्ताव हो गया, मुझे घबराहट हो गई। अब घबराहट हो गई तो बदन में वैसे चालू हो गया, धड़कन चालू हो गई, सीने में मतलब ऐसा कुछ तो भी गड़बड़ होना चालू हो गया, रेस्टलेसनेस है, घबराहट है, हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरे बदन में वो अनुरूप बदल होना चालू हो जाते हैं। अब बदन का और मन का दोनों जो प्रोग्रामिंग जो है, वो दोनों प्रोग्रामिंग मिला के, दोनों का मिला के एक स्टेट तैयार होती, एक स्थिति तैयार होती, एक स्टेट, एक होने की तरीका, एक होने का तरीका, बीइंग तैयार हो जाता है। और वो जो होने का तरीका तैयार हो जाता है तो वो तैयार स्टेट ऑफ बीइंग तैयार होता है, और फिर वो स्टेट ऑफ बीइंग जो है वो हमें बर्ताव देता है, बाहर बिहेवियर बताता है, मतलब एक्शंस देता है। फिर से बताता हूं मैं, बाहर से इवेंट आ गया, अंदर आ गया, जो भी पास्ट है उसके साथ में उसका प्लस माइनस हो गया, एक नया प्रोग्रामिंग तैयार हो गया, मेमोरी बैग। अब मेमोरी बैग से बदन में अभी चेंजेस आ गए, मेमोरी बैग और बदन दोनों मिला के एक स्थिति निर्माण हो गई, उसको बोलते स्टेट। और जो भी स्थिति है वहां से अभी एक्शंस हमको दिखाई देंगे बाहर। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट जो है, स्टेट वो एक वे ऑफ बीइंग है, होने की रीत है, उसमें थॉट्स है, इमोशंस है और शारीरिक ऊर्जा है, फिजिकल एनर्जी है। मतलब पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, PIR उसको बोलते हैं NLP में, PIR, पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, PIR, जो भी घटनाओं का जो रिप्रेजेंटेशन अंदर हुआ वो, और शारीरिक बदल जो हो गए वो मिला के हमारा एक स्टेट बनता है, और स्टेट से फिर बिहेवियर आता। तो हमारा जो भी कोई बिहेवियर है वो एक तरह का ऐसा एक सीरीज ऑफ सीक्वेंसेस जो है ना, ऐसे सीरीज ऐसी घटनाएं होती रहती है और वहां से हमारा बिहेवियर बनता है। कुछ तो भी घटना हो गई, अंदर गई, अंदर वो घटना और अंदर का जो है टकराव हो गया, एक नया तैयार हो गया, एक नया उसका रिप्रेजेंटेशन, एक मेमोरी नई तैयार होगी, वहां से बदन में बदल हो गए, और बदन के जो बदल है वो और PIR मिला के वे ऑफ बीइंग हो। तो ये यदि आपको मालूम हो गया
ये मॉडल आपको यदि मालूम है तो इसमें से आपको पूरा बिहेवियर कैसा तैयार होता है, आदमी जो बर्ताव करता है वो कैसा करता है, उसके बारे में पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। अभी इसका प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूं, प्रैक्टिकल क्या है। कोई घटना हुई, किसने मुझे कुछ तो भी बोला, मेरा इंसल्ट कर दिया। अब इंसल्ट कर दिया वो क्या हो गया, वो इंसल्ट नहीं किया, उसने कुछ तो भी बोला, उसने बोला तू गधा है, तू मूर्ख है, उसने मुझे बोला कि तू गधा है, मूर्ख है, तेरे को अक्कल नहीं है, उसने बोला, मैंने सुना। सुनने के बाद में घटना जो हुई, वो सुनने के बाद में वो अंदर गई, अंदर जाने के बाद में जो अंदर इंफॉर्मेशन पहले थी, वो व्यक्ति के बारे में, उसका मेरे साथ में बर्ताव है उसके बारे में, तो वो और वो मिला के एक नया PIR तैयार हो गया, एक नया पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन तैयार हो गया। कुछ तो भी अंदर बातचीत हुई, ये हरदम ऐसा करता है, ये खुद को क्या समझता है, ये गधा है, ऐसा है वैसा है, इसकी मैं मानूंगा नहीं, ये तो मेरे को ऐसी नीचा बताता है, चलो हो जाएगा अंदर। तो वो जो मेमोरी बैंक अभी तैयार हो गई, उससे मेरे दिमाग में, मेरे बदन में बदलाव आना चालू हो जाएंगे, मैं कड़क हो जाऊंगा, कांपना चालू करूंगा, इसने मेरे को ऐसा कैसा बोला, इसने ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, मेरे दिमाग में बहुत विचार आएंगे, उसके साथ साथ फिर दिल में धड़कन, हाथ पैर कांपना, अभी मैं इसको जवाब दे दूं, इसको एक मार दो अभी तमाचा, मतलब ऐसा कुछ तो भी हो जाएगा, विचार आना चालू हो जाएंगे। तो PIR प्लस बॉडीली चेंजेस, ये मिला के एक स्थिति निर्माण होती है, एक वे ऑफ बींग, और वे ऑफ बींग अभी क्या करेगा, अभी वो देगा एक्शन, एक तो मैं उसको उल्टा जवाब दूंगा, उसका इंसल्ट मैं करूंगा, उसको मारूंगा, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं और कुछ यहां एक्शन लूंगा तो और खतरा हो सकता है, तो वहां से मैं निकल जाऊंगा या चुपचाप बैठूंगा। तो मेरा पूरा बर्ताव जो है वो ये मॉडल में क्लियर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।